हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी गूगल पे एप्लीकेशन का यूपीआई पिन भूल गए हैं, जिस वजह से आप लोगों को ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है? तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से भूले हुए यूपीआई पिन को फिर से रिकवर कर सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और साथ ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है सुमित राज 2.0। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो बिल्कुल जीरो लेवल से देखने को मिलेगी। यानी कि जिस बंदे को अभी तक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सभी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है, टेक की दुनिया में अभी तक कदम भी नहीं रखे हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, और वो लोग जीरो लेवल से जानकारी लेना चाहते हैं, तो भाई यहाँ पर जबरदस्त वीडियो आपको डेली हर शाम को मिलता रहेगा। तो एक बार जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो चैनल को भी सपोर्ट जरूर कीजिए। बात करते हैं मेन पॉइंट की। सो फ्रेंड्स, गूगल पे में भूले हुए यूपीआई पिन को रिकवर करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने से इस तरह का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर इस लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और कितने बैंक अकाउंट लिंक हैं वो सब कुछ दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जिस भी अकाउंट में आपका खाता होगा, जो भी बैंक अकाउंट आपने लिंक कर रखा होगा वही दिखेगा। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पर देखिए आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, मैनेज यूपीआई नंबर्स, डिस्प्ले क्यूआर कोड, फॉरगॉट यूपीआई पिन। ठीक है, आपको फॉरगॉट यूपीआई पिन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपको कार्ड डिटेल्स मांगा जाएगा, आपके डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट नंबर सबसे पहले मांगा जाएगा, उसके बाद एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर आपसे पूछा जाएगा, तो आप सब कुछ फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर एरो वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूपीआई इस तरह से मैसेज आएगा, और देखिए आपको ओटीपी भी तुरंत के तुरंत मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओटीपी बाई डिफॉल्ट डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो ओटीपी डिटेक्ट करने के बाद अब आपको इस राइट वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इस तरह का पेज ओपन होगा, यानी कि थोड़ा सा चेंजिंग इसमें आ जाएगा, और यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप यूपीआई पिन सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, मतलब डालिए जो यूपीआई पिन आप डालना चाहते हैं, जो कि आपको याद रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप न्यू यूपीआई पिन डाल दीजिए। यूपीआई पिन डालने के बाद यहाँ पर आपको राइट वाले बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फिर से आपको कन्फर्म यूपीआई पिन डालने के लिए बोल रहा है, मतलब कि सेम वही यूपीआई पिन फिर से यहाँ पर इनपुट कर दीजिए और राइट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर रिसेटिंग यूपीआई पिन यहाँ पर हो रहा है, और आपका यूपीआई पिन अपडेटेड हो चुका है, आपको मैसेज भी आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यही एक छोटा सा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप आसानी पूर्वक गूगल पे में भूले हुए यूपीआई पिन को रिकवर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या सवाल रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। सो आई होप फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।